नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। किसान आंदोलन को गति देने के लिए और दिल्ली की तरफ किसानों को कूच करवाने के लिए मक्कासर गांव में आज किसान जन चेतना सभा रखी गई। जन चेतना सभा में खास रूप से बलवान पूनिया और मंगेश चौधरी भी पहुंचे और किसानों को मक्कासर गांव के अंदर बताया गया कि 6 तारीख को 3 घंटे के लिए जो चक्का जाम करना है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि हनुमानगढ़ धान मंडी के अंदर 8 फरवरी को गुरनाम सिंह चडूनी, जो कि किसान नेता है, हरियाणा के किसान नेता हैं, वे दिल्ली से विशेष रूप से हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में किसानों के अंदर जोश भरने के लिए और दिल्ली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ले जाने के लिए हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर सभा करने वाले हैं। पहले 7 फरवरी को थी, अब वो 8 फरवरी को सभा दोपहर को धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन में रखी गई है। 8 फरवरी को किसान सभा जो धान मंडी के अंदर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ने के लिए, व्यापारियों को जोड़ने के लिए, मजदूरों को जोड़ने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, ढाणी-ढाणी किसान जथेबंदियों के द्वारा संपर्क किया जा रहा है और लोगों को 8 फरवरी को हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क किया जा रहा है। बलवान पूनिया जन चेतना यात्रा यहाँ से शुरू की है। शाजापुर बॉर्डर के लिए किसान साथियों से आज हमने यहाँ पे मक्का सर गाँव में किसान सभा की। मंगेश चौधरी, विधायक बलवान पूनिया और हम सब ने किसान संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में यहाँ पे मक्का सर गाँव में एक किसान रैली का आयोजित किया और यहाँ से किसान जन चेतना यात्रा का रथ है वो रवाना की है। केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश लेके आई थी, इसके लिए गांव में हम जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि आप सब भाइयों को वहाँ पे जो अपने किसान भाई दिल्ली में बैठे हैं शाजापुर बॉर्डर पर हमें जाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि अभी 26 जनवरी को जो घटना घटी, केंद्र सरकार और RSS के जो ये करिंदे थे जिन्होंने 26 जनवरी को ये जो घटना घटी इसके वो जिम्मेवार वो है, ना कि किसान। किसानों को गुमराह किया गया, उनको गलत रास्ते से वहाँ पे भटकाया गया, उसके लिए किसानों को खूब उन्होंने बदनाम किया RSS के लोगों ने। उसके बाद में जब राकेश जी टिकैत के साथ उन्होंने बदतमीजियाँ की, उनको यहाँ से खड़ा करने की उन्होंने हिमाकत की, तो दूसरे जो बॉर्डर थे उन पे भी अब लाखों किसानों ने जब उनके आंसू गिरे तो उनके आंसुओं के ऊपर लाखों की तादाद में किसान वहाँ पे गुस्सा इतना फूटा किसानों का कि लाखों की तादाद में किसान वहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे पहुँचे और जो भी दूसरी बॉर्डरें थी वहाँ पे भी किसान खूब लाखों की तादाद में पहुँचने लग गए हैं। हमारे गांव से भी लोग जा रहे हैं और आज हमने सभी किसान भाइयों से, मजदूर, व्यापारी, सभी संगठनों से हमने ये अपील की है कि 6 तारीख को चक्का जाम है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हमें अपनी ताकत दिखानी है, चक्का जाम करना है। और 8 तारीख को गुरनाम सिंह जी चडूनी हनुमानगढ़, 7 तारीख थी पहले वो, अभी हमारे पास समाचार आया कि उन्होंने 8 तारीख का वो टाइम कर दिया, तो 8 तारीख को हनुमानगढ़ गुरनाम सिंह जी चडूनी पहुंचेंगे। उसके लिए भी हमने किसान भाइयों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हनुमानगढ़ की धान मंडी में 11 बजे पहुंचें और अपने जो किसान संयुक्त मोर्चा के जो नेता है गुरनाम सिंह चडूनी उनके विचार सुने और अपने जो गाँव में, हर गाँव में हमें अपील कर रहे हैं कि सारे गाँव वाले हर एक एक घर से एक एक आदमी वहाँ पर जाए और जो भी घरों से चंदा भी इकट्ठा करके उन भाइयों को अपने दे के आना चाहिए। क्योंकि लड़ाई सिर्फ एक किसी जाति विशेष की या छोटे या किसी की एक बात की नहीं है, ये लड़ाई है हर एक किसान की, मजदूर की, तो सभी को उनके साथ मिल के लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय जवान, जय किसान। मक्का सर की जन चेतना, किसान जन चेतना सभा में मंगेश चौधरी के द्वारा यही कहा गया कि हम सिर्फ किसानी का झंडा ही उठाकर सभी पार्टियां चलेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी का अब किसी भी सभा में झंडा नहीं लिया जाएगा, मात्र किसान का झंडा ही उठाया जाएगा, चाहे पार्टी कोई भी हो, सब पार्टियों को मिलाकर हम किसान आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें शिरकत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम आह्वान भी कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। और ख़ासकर राजस्थान की सीमा पर, हरियाणा सीमा पर जो शाजापुरा बॉर्डर पर किसान जथेबंदियाँ बैठी हैं वहाँ पर भी लोगों को जाने के लिए आह्वान कर रहे हैं ताकि दिल्ली सरकार पर, भारत सरकार पर, मोदी सरकार पर दबाव बनाकर जो 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग उठ रही है उसको सफल बनाएंगे और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे उसी प्रकार किसान जो है इसी जथेबंदियों के साथ शाजापुरा बॉर्डर, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे दूसरे बॉर्डर हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किसान पहुँचेंगे ताकि दिल्ली पर दबाव बनेगा और किसानों का हौसला भी बढ़ेगा। इसी की कड़ी में जो है
जन चेतना सभाएं गांव गांव के अंदर रखी जा रही हैं, और भी आने वाले दिनों में सभाएं इसी प्रकार की चलते रहेंगे ताकि किसानों के अंदर जागरूकता पैदा की जा सके और किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी किसानों की, सभी व्यापारियों की, सभी मजदूरों की भागीदारी निभा सके, इसीलिए यह सभाएं रखी गई हैं। इसी कड़ी में आज मक्का सर की यह सभा हुई है और मक्का सर के बाद अन्य गांवों के अंदर भी सभा होने जा रही है। और मंगेश चौधरी ने यही कहा है कि नौहर के रामगढ़ में एक बड़ी सभा भी आने वाले दिनों में होगी और हम दिल्ली के अंदर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का कार्य करेंगे। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।